बोलो श्री रामनाथ की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री रामनाथ चारे की जय,
सुख के दाता
सके ले जो इनको सार इन सार में कई सत सुख सो में निर्णय करूं निर्धार ए सुख यूं ब्रह्म सिष्ट को तो मैं अंगना नाद जब ए सुख अंग में आई तब छूट जाए विकार आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत वतार श्री अक्षरातीत वतार दिन आठों पहर की आप हक श्री राज्य महाराज
वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरुल जमा इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी साहेब, किस तरह से 8 वर्ष तक 43 से 51 तक अपने सुंदर साहब को एक दर्द दिल में लेके कि जब तक इनके दिल में परम धाम की वाणी 25 पक्ष नहीं खड़े हो जाते, वो लज्जत वो रस इनको यहां नहीं लगता, तब तक माया से ये छूट सकेंगे। इतनी मेहनत परिश्रम श्री जी ने की और वो 8 पहर क्या क्या होता रहा वो आपने सबने बड़े प्रेम रस से सुना। अब इसके बाद क्या है, कई व्रत जोए, जो 8 पहर की व्रत यानी बातें सब कही, नित कारखाने से भी। अब ध्यान देना, कारखाने से कोई ये ना समझ जाए कि फैक्ट्रियां चलती गई थी, कारखाने शब्द ऐसा। कुल 5,000 की जमात तो आखिर सेवा भी, अब सुनना इस पैर को, उससे भी ज्यादा महत्व यदि किसी चीज का है तो इस दुनिया में सेवा का है। तो पहले सेवा जब हरिद्वार में थे तो नागजी भाई को बख्शी हुई थी गरीब दास को, अब वहां से चलते चलते फिर जब सुंदर साथ बढ़ता चला गया तो रामनगर में जाके उसने विनती की कि स्वामी जी अब जिस प्रकार से सुंदर साथ की सेवा होनी चाहिए वो मेरे से नहीं हो रही। ये नहीं कि वो ट्रस्टी बन गए तो बाप दादा फिर आगे पोते भी उसी के ट्रस्टी बनेंगे, हाँ वो स्वामी जी के वाणी के विरुद्ध चलते हैं, सेवा नहीं होनी, मत बनो वहां के सेवादार, क्यों ट्रस्टी बने, क्या हमारे बाप दादा की जगीर लगी हुई है। रामनगर जब वो पहुंचते तो खुद कहते हैं स्वामी जी अब मेरी सेवा में कमी हो रही है, मैं देखता हूं कि जिस तरह से सुंदर चाँद की सेवा होनी चाहिए वो नहीं मेरे से हो रही है, अब सेवा किसी और को दे दो। कौन साथी सेवन के, अब वो सेवा करने वाले जो सुंदर चाँद थे तो फिर आगे वृंदावन जी को दी वहां से, अब वहां से फिर पन्ना जी तक और भी सुंदर चाँद रामनगर का बहुत सारा मिल गया, अब वो भी प्रार्थना करता है कि स्वामी जी ये मेरे बस का नहीं काम, क्योंकि समय समय पर जो सेवा होनी चाहिए उसमें कमी आ रही है। तब स्वामी जी ने देखा भाई ये रोज ही बदलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, लालदास को कहा लालदास अब हम आपको हुक्म देते हैं और तुम इस सेवा को करो। जब हुक्म हो गया तो तन फिर क्या करने वाला, वो युक्ति भी शक्ति भी अकल भी तरीका भी उनके हुक्म की शक्ति से आ जाता है। तो लाल दास जी ने 36 विभाग बांट दिए, समझ लग रही, कुल काम की लिस्ट बनाई, सब्जी का विभाग जुदा, कपड़े का विभाग जुदा, खजाने में कैश रखना जुदा, अकाउंट रखना जुदा, और पर्चियां काटना जुदा, और कुल आमदन लाने वाला जुदा, और खर्च करने वाला जुदा, हर विभाग का जैसे अप टू डेट अकाउंट बुक होती है 8-10 सुंदर साथ उसमें लगा दिए, और सब विभाग कपड़ा देने वाला, ये नहीं कि सुंदर साथ कहीं लेने जाए ना, जो छड़े छड़े साधु भाव थे उनको तो एक जगह ही सब कुछ होता था, और बाकी जो गृहस्थी सुंदर साथ थे अपन्ना जी से आगे तो कहीं जाना नहीं, तो स्वामी जी ने उनको छोटी छोटी झोंपड़ियां बना दी, और जो सामान था कहां से ला बेचारे, कोई काम धंधा तो था नहीं, कपड़े भी देने वाला उनके घर जाके देता था, राशन देने वाला उनके घर जाता था, ये नहीं बाजरा है खाना खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ, ऐसा नहीं, हर प्रकार की जात के अनाज, क्यों गुजरात के भी सुंदर साथ थे, दिल्ली पंजाब के भी थे, फिर मध्य प्रदेश के भी थे, औरंगाबाद के भी थे, कोई बाजरा अच्छा समझता है, कोई चावल अच्छा खाता है, कोई गेहूं को अच्छा लाइक करता है, तो जिसको जो चाहिए वही राशन उनको वैसे ही जाकर के देते थे। इस तरह 36 विभाग बांट दिए और उन्होंने प्रार्थना किया कि हे धनी ये किसी और को सेवा दे दूं। वो गरीब दास ने मगर रामनगर
रामनगर की मजल में जब आए कई बहुत आतुर हो के स्वामी जी नहीं दुखी होके कहा कि सेवा नहीं, मेरे से सेवा अब नहीं हो रही है। जो सेवा आप चाहते हो और सुंदरता को प्यार मिले वो मेरे से नहीं हो रही है, आतुर होके चाहना करके। तब हुआ हुकम लाल पर, तब लाल दासी पर हुकम हुआ, गड़े से हुकम हुआ, गड़े से हुकम हुआ बादशाह के हजूर, बादशाह के पास, फिर औरंगजेब के पास स्वामी जी भेजते हैं, लेकिन फिर नहीं भेजा। लाल दासी कहते हैं अभी कुरान में लिखा नहीं है। तब वृंदावन को गई, तब वृंदावन को वहाँ गड़े से दे दी, जान के काम जरूर जरूरी काम भेजना था लाल दासी को, लाल का रहना हुआ, लाल दास का रहना हो गया, हुक्म ना हुआ सोते नहीं हुआ। फिर उसको सुनिए शकुंडल ने, अब जब शकुंडल के पास लाल दासी को भेजा उनको वाणी की समझ हो गई और तारतम ले आए। फिर पन्ना जी में आके पढ़ने जाए कोए, पन्ना जी पहुँचे जब महाराजा सो मिलके, महाराजा छत्रसाल जी को तारतम दे के फिर जब वापस आते हैं, किया बुलाने को काम और बुलाने के लिए कहा, आए पहुँचे पन्ना में, पन्ना जी में आ गए, लाल चले ना तब, तब वृंदावन से भी सेवा नहीं होती क्योंकि जमात ज्यादा बढ़ गई। तब उसने भी आके स्वामी जी को कहा कि ये सेवा अब मेरे से नहीं होती है। वृंदावन ने पठाई कुंजी को, तब चाबी लेकर के लाल को हुआ हुकम, लाल दास को हुआ हुकम, कहा कि ले लाल दास अब मुझे सब सुंदर साथ में सिवाय तेरे और कोई नजर नहीं आता है और राज जी के हुक्म से तू ये चाबी ले और सब काम कर। ए आई आज्ञा से, ए आई आज्ञा से, हुक्म से आई, सेवा करो अब तुम, भाई अब तुम सेवा करो मूल छत्तीस कारखाने का। बस जब हुक्म आ गया तो फिर अकल भी आ गई, तो उन्होंने कुल विभाग जो सेवा के थे 36 हिस्सों में बांट दिए, सब हाथ दिया लाल के, लाल दास जी को सौंप दिया कि अब सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। एक मूल श्री बाई जी के, अब ध्यान देना श्री बाईजुराज और स्वामी जी के जो भी वस्त्र सामान चाहिए वो तो लाल दास जी खुद करते हैं, सब पहुँचावे साज, समय समय पर खुद जाके देते हैं बाईजुराज से पूछ के, दोनों स्वरूप और साथ के, दोनों स्वरूप राज जी स्वामी जी और बाईजुराज और सब सुंदर साथ के, सब वस्त्र भूषण, सब वस्त्र है, भूषण है, अनाज है, जो चीज भी चाहिए पहुँचावे, पहुँचावे। आज की तरह पन्ना नहीं था कि जब देखो भंडार बंद है सुंदर साथ खड़ा है को पूछने वाला ही नहीं ना, वो श्री जी के समय की लाल दास जी ने ड्यूटी लगाई थी, देख भाई तेरे से को मांगने नहीं है जाके देना होगा, जरा मैंने कोताही देखी सेवा उसी दिन छीन ले जाएगी, लिहाज किस बात, लिहाज नहीं। अब देखना कितने आदमी बदले जाते हैं, जिसने सेवा तो ले ली कि हमारे ऊपर ठीपा चाहो धड़का लग जाए और सेवा करनी नहीं, तो उसको सेवा देने का फायदा क्या है। और अनाज सब जात के, और अनाज सब जात के, मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, जिसको जो चाहिए सब प्रकार के जात, फिर खरीदने भी तो कोई जाएगा, खरीदने वाले अलहदा थे, साग तरकारी सब, अब साग तरकारी हर तरह की, कई भिंडी नहीं खाते, कई लौकी खाते, कोई कुछ खाता है, सब तरह की मंगाई जाती है और ले जाके कहते बोलो सुंदर शाह जी क्या चाहिए ले लो, ना तोलना ना पैसे, क्यों तो सेवा में दिया जा रहा है। रुई सूत और बर्तन, एक चीज नहीं, रुई भी सूत भी और बर्तन, किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो बर्तन ले लो, सुंदर साथ बर्तन लेके जाते हैं। निर्गुण और सरगुण, निर्गुण वो हैं जो साधु महात्मा छड़े सुंदर साथ हैं और सरगुण वो हैं जिनके साथ परिवार है, सब पहुंचावे समय समय, उन सबको जो है समय समय पर जाके सब समान सेवा करने वाले जाके पहुंचाते हैं, आनंद देवे संयम, ला ला के सुंदर साथ को दिया जाता है, हाजिर रहे हजूर में, और लाल दास जी हर वक्त हाजिर भी रहते, स्वामी जी भी हैरान है भाई सेवा भी करेक्ट चल रही है, और जब देखो ये चरणों में हाजिर भी खड़े हुए हैं, बैठे सिराय के पास, शिव जी के पास भी बैठते हैं क्योंकि चट्टा में लिखना भी है, इनके पास रहते हैं, अब इनके पास कौन कौन सेवा करने वाले प्रमुख थे हर विभाग के, इन कारखाने में, इन विभागों के अंदर घनश्याम लेखा लिखे, घनश्याम दास जी लेखा लिखते हैं,
कुल अकाउंट कितना आया, क्या खर्च हुआ, राजा राम झांझन भाई से कितना आया, कितना किस किस विभाग में दिया, बर्तनों में दिया, अनाज में दिया, टोटल बिल कुल लगा के हाजिर रखते हैं। धर्मदास खजाने और धर्मदास जी खजाने में हैं, भिखारी दास भी और भिखारी दास भी शामिल है, खजाना मकरंद रखे और मकरंद दास जी कैश रखते हैं, कैश पे बैठे हैं, कपड़ा मकरंद देवी और कपड़ा पहले मकरंद दास जाके सबको देता है, सब साथ और श्री राज सब साथ को भी और श्री राज जी के लिए भी, पहले नारायण देवे कपड़ा पहले छीन लिया। सुंदर साहब ने धरा का भाई कल भी आपको कहा था हमें कपड़े दे जो, अब देने, इतनी आवाज आनी तुरंत सेवा छीन के एक तरफ कर देते थे, रेल सेवा में हुकम और सेवा में भी हाजिर हैं, देवे सब सनेसो और किसको लगाते हैं, जो बड़े प्रेम से स्नेह के साथ यहाँ क्या होता है, अरे भाई सरकार भी तो गुस्सा करते हैं, हम भी शायद गुस्से सारे ही सरकार बनना चाह रहे हैं, वो अपनी अकल को ठिकाने रख के चले, मैं किसी से गुस्सा नहीं करता, जो मेरे दिल में राज्य ने प्यार भरा है वो दिखावे का नहीं है, वो दर्द है, लेकिन थोड़ा सा अनुशासन के लिए अगर ना बरते तो आधा सुंदर सा सीढ़ियों में अटका हो, उसको गुस्सा नहीं कहते, उसको भी बहुत बड़ा प्यार कहते। सब सुंदर साहब जो लेट आ भी गए वो सीढ़ियों में बैठे, क्या तुम्हारी शान है, उसको गुस्सा नहीं समझना चाहिए, असल प्यार वही है जो हमें दर्द सुंदर साहब के लिए देता है, उठना सिखाता है, बैठना सिखाता है, तो बाकी जो सेवा करने वाले हैं वो चौपाई को सुने, जो काम भी करे प्यार के साथ समय के साथ, ये आत्म के सनमंदी अक्षरातीत के अंग हैं, ये हमारे नौकर नहीं है कि हम इनको फटकर, ये दर्द हमेशा लेकर सेवा करने वाले सुंदर साथ सावधान रहेंगे, फिर करी खेम करने आत्म, फिर उनसे भी कपड़े की सेवा ले ली, खेम करण के जिम्मे लगा दिया, श्री महामत के मोमनो आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हो, प्यारे सुंदर साथ जी साथी सेवा के सेवा करने वाले विभाग और उनके ये नाम हैं, बहुत है, कहाँ तक कोई सारी लिस्ट थोड़ा सुनानी है, मुख्य मुख्य नाम आपको सुना दिए, जिन्हें प्यारे चरण धनी के कौन सेवा करता है, एक बार फिर दोहरा लो, जिन्हें प्यारे चरण हाजिर है राज्य के नाम, कहना क्यों पड़े, सेवा की आवाज आई सबसे पहले आगे हूँ, ये वही करेगा जिसको राजिम राय के स्वरूप की पहचान है और उनको प्यारे चरण है पिया के, माया है क्या तुच्छ आती है जाती है, गर्मी के दिनों में अब सर्दी का तो सारा वर्णन हो गया, रजाई तलाइयां वगैरह रखे जाते थे, अब गर्मी के मौसम में किस तरह से सेवा होती है, क्योंकि अक्सर मंदिरों में हम देखते हैं श्रृंगार एक जैसे बना के जो है बागे रख दिए, गर्मी हो सर्दी हो नाला हो कुछ हो पहनाए जाओ, हमें गर्मी लगती है तो अकल आ जाती है बरी कपड़ा, सर्दी आ गई तो स्वेटरों की अकल आ रही, तो राज्य के श्रृंगार कौन बदलेगा, क्योंकि राज्य तुम्हारे हाथ में आ गए, इसलिए एक ही कुल्लू में पीसते चले जाओ, सब सेवा खुशबोए और फिर गर्मियों में खसखस खुशबोए, इतनी सी सी ने लो पुजारी जी 2 महीने निकाल लेना, तो ना दो को जरूरी थोड़ा है, अब देखना कितने इतर और क्या क्या खरीद के तुंग इतने तो बड़े मठ को तुंग कहते हैं, वो खरीद के ला जाते थे, अतर खरीद सब जात के सब जाति का, गर्मियों के अंदर जो है इतर और ये सारी चीजें लाई जाती हैं, आवे तुंग भरे गुलाब के सोए, तुंग भरे जो है गुलाब के हिना के चमेली के लाए जाते हैं, अगर चोवा खसखाना, अब इसका भी एक विभाग था अगरबत्ती इतर और खसखाना, करे सेवा गंगाराम, एक गंगाराम की सेवा होती है, खुशबोए खाना सब रखते हैं, और खुशबोए खाना कौन रखता है, एक खरीद करे इच्छा, एक खरीद करने भी यही जाता है, एक दो बार गलत आगे कहते हैं भाई लाल दासी ये मुझे पसंद नहीं, पैसे भी लेकर गलत चीजें हैं क्या फायदा, मैं खुद जाऊंगा खरीद के लाऊंगा, खसखाना बनावाते अब
खसखस खाना किसको कहते हैं, खस की टटियां। गर्मी है ना, उस वक्त एसी और एयर कूलर वगैरह तो नहीं होते थे ना, तो सुंदर साथ खसखस की टटियां बना के खुद हाथों से खरीदते। कहां से, कोई बाजार था ही नहीं, कोई शहर नहीं था, कुछ नहीं था, तो जिस चीज की जरूरत होती थी सुंदर साथ खुद तैयार करते थे। छप्पर छांटे बलिवान सो, अच्छी तरह से वो छप्पर छांटते हैं, बनाते हैं, घड़ते हैं, छिटकल पानी साथ है। फिर उसके ऊपर सब सुंदर साथ जो है पानी छिड़कता है। क्यों, मेरे भी धनी चल छोड़िया जोड़ वो छिड़क रहे, छिड़कते रहेंगे। ये लोग वही कहते हैं जिनको अभी श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं। सब सुंदर था, भले दो लोटे डालने का अवसर मिले, भाई हम भी छिटकेंगे, मेरे सुभान अंदर लेटेंगे, गर्मी क्यों लग जाए टटियां बांधने को। अब टटियां मतलब खसखस की टटियां बांधनी पड़ती हैं और उसके ऊपर गेरुआ कपड़ा लगाना पड़ता है। ओका गंगाराम, ओका और गंगाराम इस सेवा में है, काम बढ़ई का पड़े। और अगर बढ़ई का काम पड़े बुलाना नहीं पड़ता, बड़ाई अपने थैले के अंदर ही तीसी भी आरी भी और मोरे करने वाले भी सब कुछ उसी में रखते हैं। चट्टा सुन जरूर पड़े, हाँ जी मैं आ गया, सामान मेरे पास है। रे मोइन हीरा माना, मोइन हीरा माना, बास कमचिये ल्यावते। अब कमचियां जिससे बांसों को छीला जाता है, जैसे गन्ने को नहीं छीलते उसी तरह बांस में बहुत कैड़ी कैड़ी गांठें होती हैं, उनको छीलने के वास्ते होती है टेढ़ी, इस तरह से दाती से बने, उसको कमची कहते हैं। पूर्वी है खोल पर, पूर्वी है भाई जंगल में जाते हैं, सीधे सीधे हरे हरे फर्स्ट क्लास बांसों को काट के साफ करके छांट के ले आते हैं। तुम्हारे बांसन को अब ला के रखे तो बांसों को संवारना भी है। जग्गू वीर जी बुलावने पर, बस जग्गू और वीर जी तुरंत आ जाते हैं, बांस साफ करके काट के जैसा चाहिए तैयार कर देते हैं। लाल खरुआ चाहिए, अब ऊपर लाल खरुआ बांध, कपड़ा लाल बांधा जाता है खसखस की टट्टी पर, वो कौन लेके आता है, नारायण दास भागा चला आता है खरवा लेके, बनाए के ठाटी करे। आप बना के इस तरह से खसखस की टटियां तैयार हो गई, खड़ी कर दी, पोड़त है सुबाना, पोड़त है रामधनी जो है पोड़ रहे हैं, जल छिड़कर सब बंगले, सब बंगला जी में जल छिड़का जाता है, सबके बिस्तरे पड़े। अरे भीगते है तो भीगते, हम इनके नौकर थोड़े, एक जल छिड़काए एक बिस्तर उठाए। ऐसे कमबख्तों को दो थप्पड़ मार के सेवा छीन लेनी चाहिए, कोई पाप नहीं। दो सुंदर साथ आगे आगे जाते हैं, वो बिस्तर लपेट लपेट के ऊपर रखते जाते हैं, तब पीछे जल छिड़कने वाले छिड़कते आते हैं, उठाए सब बिछाने, उठाए सब, सुंदर साथ है उसके बिस्तर भिगो दे, क्या है की सेवा है ये तुम्हारी, मोदी मोदी जल छिड़काते और मोदी काका जो है वो भी जल छिड़कते हैं, कर राज की। सुंदर साथ जी सेवा तभी होती है जब दिल में भाव आता है, भाव तब आता है जब स्वरूप की पहचान होती है। तर करे जमी को, जमी को तर कर देते हैं, गर्मी ना फड़काता, गर्मी कैसे फिर फड़क सकती है, बहुत डोले तहजूरी। चार सुंदर साथ श्री जी के पलंग के पास पंखा लेके खड़े ही रहते हैं, हाथ वाला खड़े रहे, एक पाए पर खड़े रहते हैं, शंकर हाथ में रहते हैं, और शंकर दास जी के हाथ में तो पंखा रहता ही है, चाहे उसका नंबर आए या ना, वो हिलाता ही रहता है हमेशा, बिजने में हमेशा पंखा चलाने में, और साथी सब डॉलर और भी सब सुंदर साथ बारी बारी से आके पंखा चलाते हैं, धनी पोड़े सेवा कर रहे हैं। जगलक पोडल सी राज, जगलक जहाँ तक स्वामी जी पोड़ते हैं, गंगा दास गंगादास और गंगाराम और बिहारी दास, और बिहारी दास इन सेवा में पहले, इस सेवा के अंदर सबसे पहले रहते निर्मल दास, निर्मल दास जी सेवा करते हैं, ता पीछे प्रेम दास, ता पीछे प्रेम दास जी सेवा में आते हैं, सेवा करी जो खास, और खास ये उनकी सेवा होती है जल छिड़कने की। जमुना मानक इन समय, जमुना बहन और मानक भाई इस समय हजूर सेवा में, हजूर में सेवा में पंखा झुलाने के खड़े हैं। हकीकत खां भेजते हैं, हकीकत खां बाहर गया हुआ है जौनपुर, और तुंग के तुंग इतर के खरीद करके फरुखाबाद और जौनपुर से भेजते हैं। गुलाब के शीशे भर भर के छिड़कते हैं सब सेज पर, सब सेजा के ऊपर जो है उसको छिड़का जाता है गर्मी के दिनों में। गंगाराम इन समय, गंगाराम इन समय मी बस्तर पहनन के, गर्मियां आ गई ना,
तो श्री जी के लिए बारीक वस्त्र बनवा के लाते हैं। प्रेम दास लिया में ये प्रेम दास जी की सेवा है। आखर को इन पे नंद राम पासे जावे। बस प्रेम दास जी ने कोई डील की होगी तो लाल दास जी ने मतलब ही नहीं। जो राज्य की सेवा में कुदाई करता है उससे दोस्ताना और मित्रताना का एक तुरंत उसे सेवा जी नहीं और दूसरे को दे दी। महावजी भाई इस समय आए पोरबंदर से। पोरबंदर के रहने वाले महाभाव जी हैं, वो दूसरे थे मस्कत बंदर वाले। ये आते हैं सेवा अनार रखवे की सेवा ये करते। अनार मैंने ये अनार नहीं स्याही वगैरह कुर्जा जिसको कहते हैं। और पत्री लिखवे की और चिट्ठी लिखने का काम। कई सुंदर साथ उस समय अनपढ़ होते थे, किसी ने चिट्ठी लिखवानी है या लिखने के लिए सहाय चाहिए तो वो सारा ये विभाग उनके पास था। महावजी भाई जो पोरबंदर वाले थे। आस भाई इन समय। अब आस भाई कौन लाल देखते हैं कि सारा विभाग बिल्कुल ठीक है और शांत से सब काम विधिवत चल रहा है। लागत है चरण। अब सब सुंदर साहब से पूछ के सुंदर साहब जी कुछ सेवा में तकलीफ तो नहीं, जब बराबर पे हर चीज मिलती है तो कौन कहेगा। तब आके श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। लागत है चरण कर बुलावत। और फिर ऐसी सेवा देख के क्या राज्य खुश ना हो। बड़े प्यार से बड़े लाड़ से आप श्री जी लालदास जी को बुलाते हैं। प्रसन्न होए के मन में प्रसन्न हो के धन धन है तो लालदास हो के तेरे समझे मैं काय का दम। आपका हुक्म आपकी मेहर आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं तो कुछ करता भी नहीं, मैं तो आपके चरणों में बैठा रहता हूँ। बोलो मैं क्या करता हूँ, आपका हुक्म है। और सुंदर सा सब प्रेम से सेवा कर रहे हैं श्री मामद के सैयन को। कहा जा रहे हैं क्या? बैठे रहो भाई। नीचे जो सुंदर साथ हैं अभी नहीं इयां तेई खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, तब जो है नारियल तोड़ना होगा। चलिए श्री महामत के सैयन को। श्री महामती आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी सैयन अर्थात हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं सेवा के साथ सेवा के सब सुंदर साथ का आपको ब्यौरा दिया। यहाँ से ही खड़े रहे ये सब सुंदर साथ, भले चर्चा सुनने को मिले या ना मिले, सेवा के अंदर ही करते 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 उन्होंने शरीर छोड़ दिए लेकिन अपनी सेवा को छोड़ा नहीं। जाके धनिये पकड़े हाथ दोहराओ च भाई। श्री महामद के सैयन को। श्री महामद के सैयन को। रुमाल क्या हो गया तुम्हें सबको? बोलो श्री प्राण तुझे कहना पड़ रहा। बोलो श्री प्राणनाथ। प्राणों के आधार आत्म संबंधी शिव सुंदर साहब जी ये उस पार पुरुष पार ब्रह्मक्षातीत श्री राज्यम राय की कृपा से ब्रह्मवाणी का महायज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ उनकी मेहर है। मेरे जैसे तुच्छ जीव की क्या औकात है कि ब्रह्म ज्ञान का एक शब्द भी कुमुख से कह सकता। उनकी मेहर आपके वास्ते, उनकी कृपा आपके वास्ते, ताकि सब सुंदर साथ को अपनी आत्म का जिसका वर्णन आए दिन तक संसार में कोई गुरु नहीं बता सका,
कि जीव और आत्मा का अंतर क्या है। और सब ग्रंथों में कहा पार ब्रह्म एक है, पार पुरुष एक है, लेकिन फिर घटा कहाँ दिया? निराकार के अंदर काल पुरुष को परमात्मा कह दिया, किसी ने कण कण कह दिया, इसी में दुनिया आज दिन तक जो है वो तय कर रही थी। उनकी आत्माओं के आने के कारण से पार ब्रह्म को भी कलयुग में खाना पड़ा और आ करके अपनी ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, अपनी आत्माओं के वास्ते परम धाम के ज्ञान ला करके ये मेहर की कि माया और ब्रह्म का भेद, जीव और आत्मा का भेद, और परम धाम कहाँ है, पार पुरुष कहाँ है, निराकार के पार थे, तीन पार के भी लिखा तो था ग्रंथों में, क्षर से परे अक्षर से पारा तय पुरुष का करो विचारा, विचार कौन करता। और ये ग्रंथों में लिखा था कि जब वो खुद आएंगे तब आके अपना नाम और खुद जाहिर हुए। अब श्री जी साहेब जाहिर हुए हैं, कृष्ण या राम तो द्वापर और त्रेता से जाहिर थे। ये अपने सोचने की बातें जो वाणी ने आपको सोचाया, और जिनको समझ आई उन्होंने श्री जी साहेब जी के चरणों से अपना संबंध जोड़ के तर्पण लिया। कोई गुरु नहीं धारण किया, सबको बता दिया है के तारतम लेने के बाद हमारे सतगुरु मेरे राज्य महाराज से मतलब है। और यहाँ आगे क्या चल रहा था, एक गुरु शरीर छोड़ गया फिर गद्दी पे दूसरा बिठाओ, फिर तीसरा बिठाओ, फिर चौथा, ना मतलब ही नहीं अब इसके बाद किसी गुरु को, किससे संबंध जोड़ लिया श्री जी, बस छुट्टी हो गई। जब वो पति हमारी आत्म का हमारा संबंध जुड़ गया फिर और गुरु धारण करने की जरूरत नहीं, फिर वाणी की जरूरत है। ए सत्यवाणी मत के बस सब जो है उनकी कृपा से सब आंकड़ियां भी खुलती हैं। आप सब सुंदर साथ ने इतना कष्ट किया अपनी आत्म के लिए जरूर, लेकिन अवश्य सहयोग देकर निजानंद संप्रदाय ट्रस्ट का और इस मंदिर की शान जो आपने पिछले कई सालों से घोर दर्द दिल में लेकर मुट्ठी भर सुंदर साथ ने इतना भव्य मंदिर निर्माण कर दिया, राज्य की मेहर थी। और जिनको पता लग गया कि सेवा में जो आनंद है किसी में नहीं, ये उन सुंदर साथ के दर्द का नमूना हमारे सामने। मुट्ठी भर सुंदर साथ हैं और उन्होंने 60-65 लाख रुपया जमीन खरीदी, बनाया, सब कुछ, इतना बड़ा खर्च कर देना 40-50 घरों के लिए कोई आसान नहीं था, पर खूब खूब सुंदर साथ ने जी तोड़ करके भले शक्तियां नहीं थी तो भी जो है सेवाएं की, और उसका फल निकला कि हम 4-6 साल से जगह जगह जो भटक रहे थे मेरे श्री जी साहब जी ने सुना मेहर की और ये स्थान हमको बख्शा। अब ये स्थान आपका है, ट्रस्ट के मेंबर केवल व्यवस्था के लिए हैं, वो भी सुंदर साथ हैं, वो कोई हमारे हाकम नहीं, या वो चीज है ही केवल सुंदर साथ की व्यवस्था के लिए उनको चुन के आगे लाया गया है। साल बाद के बाद देखेंगे जो सेवा में ढीला होता है, खाली हाजिरी मीटिंग में आके लगा दी, हो सकता है अगले साल उसको बदल दिया जाए। सेवा कर, हर चीज का दर्द लो, मंदिर की व्यवस्था देखो, जिस दिन मंदिर की पधरावनी हुई थी 12 लाख अभी हमने देना था, दिल्ली सुंदर साथ पर उसका कोई बोझ नहीं डाला, फॉरन के कोई सुंदर साथ आए थे 2-3 लाख उन्होंने उस वक्त दिया, बाद में बाई चांस मेरा जाना हो गया, फिर मैं 2-3 लाख रुपया लेके आया, कुछ और सुंदर साथ से इकट्ठा किया, बीतक साहब शुरू होने से पहले 2 लाख था देना, चिंता मत करिए, मैं सोचना कहने लगी लो जी फिर पर्चियां कटने, ना ओ उतर गया घबराओ। सुंदर साथ को जब पहले आवाज दी थी उन्होंने आके चुप करके और कहा सरकार साहब ये लीजिए 2 लाख कर्जा, 2 लाख जो है देना दे दो, वो दे दिया गया। अब आपका मंदिर और आप है, किसी प्रकार का कर्जा लेना देना कुछ नहीं। अब करना क्या है, यहाँ का चौकीदार है, व्यवस्था करने वाला है, पुजारी जी हैं और भंडारी हैं,
और बाहर के आने वाले सुंदर साथ। अब वो महीने की रसीदें कटवाएं, चंदाएं करें, मुझे वो चीजें अब अच्छी नहीं लगती। ये पेटी रखिए, गोष्ठी महीने में एक बार होनी, ये सोच के आके मत्था टेकना कि इस किए मंदिर की व्यवस्था का हिस्सा मैंने पेटी में, बस कोई आपसे मांगेगा नहीं, ये चीज करनी नहीं है मांग करके। और चंदे की तरह से मांगे विरोध, भाई तेरा चंदा नहीं आया, तेरा सितंबर तक नहीं आया, भिखारी नहीं है भाई। अगर दर्द है, कुछ राजी मरा की पहचान हुई है, तो कौन सेवा करेगा, जाके धनिया पकड़े, बस तो उसमें 8-10 हजार का खर्चा कोई बड़ी बात नहीं होती है। दिल्ली सुंदर साहब बहुत संख्या में है, मिलकर के सेवा को उठाते रहिए। और समय समय पर, ये तो मैंने आपको वचन दिया हुआ था, और राजी महाराज की मेहर से वचन पूरा हो गया। अब कल को क्या प्रोग्राम है मेरे लिए, केवल दिल्ली नहीं है, दिल्ली का तभी तक बोझ था जब तक कुछ लेना देना बाकी था। आज से मैं नवृत्त होता हूँ, मंदिर आपका है, ट्रस्ट जाने, आप जानो। समय समय पर जो प्रोग्राम होंगे, यदि मैं यहाँ हुआ अवश्य आके हिस्सा लूंगा। क्यों, मेरे साथ USA भी जुड़ा है, गुजरात भी जुड़ा है। अभी 4 दिन मैंने आश्रम में जाना जरूरी, क्योंकि 2 महीने हो गए मैं गया नहीं, उसके तुरंत बाद मुझे 1 महीने के लिए गुजरात जाना है, उसके बाद लखनऊ भी है, नैनीताल मंदिर भी है, अमृतसर भी है, जलंधर है, कपूरथला है, फाजिलका है, अबोर है, सब जगह सुंदर साथ को। जब तक मेरा सांस है मुझे तो जाना होगा, लेकिन अब दिल्ली सुंदर साथ ज्यादा तमन्नाएं मत रखो, अपने पांव पे खुद हो जाओ खड़े और वाणी का मथन करो। राज्य की मेहर सबके वास्ते आई है, किसी एक के वास्ते नहीं। हम आज दिन तक इसका आनंद क्यों नहीं ले सके, क्योंकि हमने बैठ के कभी वाणी का मथन किया नहीं। अब करो और फिर देखो कितना आनंद है, कितना सुख है, कितना घर परिवार को भी सुखी करने वाली जो वाणी में कहा गया, और सारे मानव समाज को, कोई जाति पाति का भेद नहीं रखा। क्यों, इस जाति पाति के भेदों ने, इन शरीरों के चक्रों ने, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, छोटी जाति बड़ी जाति, इंसान के टुकड़े कर दिए। जो स्वामी जी ने आके हमको ज्ञान और रास्ता बताया है कि ये छोटी जाति बड़ी जाति और ये जितने जितने पंथ पेंडे हैं, ये शरीरों से, आत्मा सबकी एक है, उस भाव से सारे मानव को एक भाव एक प्रेम देख के और उनकी वाणी से समझाओ, भाई जो पार पुरुष है वही तो पूर्ण में परमात्मा प्राणनाथ। गीता वाले को गीता से समझाओ, भागवत वाले को भाग से समझाओ, कुरान का अगर कोई समझने वाला है तो कुरान से बातें बता दो, ताकि उनके अंधकारों की पट्टियां खुल जाएं और सब मानव एक मानव का रूप होकर उस पार ब्रह्म परमात्मा अक्षातीश जी साहब की स्वरूप की पहचान करे, संबंध जोड़े और आराम से भाव सागर से। अब वो हमारा भी फर्ज है, क्योंकि प्रण करते हो ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना। जिन सुंदरता को अभी शिवजी साहब जी की उस पार पुरख की पहचान नहीं हुई, उनके ग्रंथों से, उनके मानने वालों से उनको पहचान कराइए। यही हुक्म श्री राज्य महाराज का छठे दिन में हम सब सुंदर साथ पे है। मेरी प्रार्थना आपके चरणों में कि इतने दिनों में जुबान यहाँ की है, वर्णन ब्रह्मवाणी का था, यदि कहने में कोई शब्द इधर उधर हो गया हो, जिससे आपको कष्ट हुआ हो, तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ।